हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं रिगार्डिंग इटर्निटी ऑफ पेन वीक 2, जिसमें आया है क्रेवन जो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है और मतलब बहुत दिमाग ख़राब किया उसने मेरा। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा मैं कॉफ़ी विद करण सुनते हुए आई थिंक आई वॉज प्रैक्टिसिंग कि कैसे इसका तोड़ क्या है। मतलब सब लोग, सब यूट्यूबर वीडियो डाल देते हैं ऑनलाइन सोलो करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, आराम आराम से एंड बट जनरली रियली स्पीकिंग वो बताते नहीं हैं कि वो क्या कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो में ये वाली फाइट ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं थोड़ी बहुत। तो जैसे कि ये मेरा फेल्ड अटैम्प्ट है गाइज, वैसे सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट था ये मेरा। लास्ट अटैम्प्ट में मैंने उसको एक रिवाइव से मार दिया था। तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस फाइट। तो अगर आप ये 3 सेकेंड इससे दूर रहोगे तो ये आप रूट हो जाओगे। अगर आप वो देख रहे हो रूट वाला, तो रूट हो जाते हो और उसमें दिक्कत होती है। ये स्पेशल वन फेंकता है तब भी ये ट्रैप लगाता है, और अगर आप उस ट्रैप में फंस गए तो भी रूट हो जाओगे। और तीसरी बात है, ये अनब्लॉकेबल रहेगा पूरे टाइम अनटिल आप अपना स्पेशल वन मार के इसको गिराओगे नहीं। अब आप उसको गिराओगे तब उस पर अनस्टॉपेबल आएगा, जो आप उसको पैरी करके नॉर्मली या विद स्ट्राइफ यू कैन बेसिकली जस्ट फेज एंड हैवी हिम आउट। तो वही स्ट्रैटेजी रखनी है कि मतलब ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और ये ट्रैप जैसे आप देख रहे हो वो लगा गया है, जो दिमाग ख़राब करने के लिए फिर से लगाया है इसने ट्रैप। तो मतलब आफ्टर अबाउट 20 अटैम्प्ट्स मेरे को ये समझ आया कि इसके ट्रैप के ऊपर जाकर अगर अपना स्पेशल दोगे तो वो ट्रैप हट जाता है। सो वही मैं स्ट्रैटेजी स्ट्राइव के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही वो अपना स्पेशल वन देता है, डैश इनटू हिम और उसके ट्रैप के ऊपर खड़े हो जाओ और उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल वन दे दो जाते ही, एकदम एक सेकंड भी मत रुको, चाहे वो ब्लॉक भी पकड़ा हुआ है। क्योंकि स्ट्राइव के साथ वो एबिलिटी है कि आप बेसिकली फेज आउट कर जाते हो सारे हिट्स। आइडियली अगर आप उसको स्पेशल 2 तक भेज सको उससे कुछ बेटर नहीं है, क्योंकि वो इवेड करना भी आसान है। बट स्पेशल 1 के साथ अगर ये दिक्कत आपको महसूस हो रही है, सो यू कैन जस्ट गो क्लोज एंड ये देखो मैं उसके ट्रैप पे गया और मैंने स्पेशल जाते ही दे दिया, चाहे वो अनब्लॉकेबल था या जो मर्जी था, आई डिड नॉट केयर, या ब्लॉक होल्ड कर रहा था या नहीं कर रहा था। यहाँ भी मैं सक्सेसफुली उसे स्पेशल 2 तक भेज दिया था, सो नथिंग टू फियर नाउ कि ट्रैप आएगा ही नहीं। और आप ज़्यादा दूर भी मत रहो। तो अब इसका स्पेशल 1 इवेड करने का तरीका क्या है, ये वाला फाइट इज़ नॉट द रियल मैकेनिक ऑफ शोइंग। पर अब जैसे उसका ट्रैप आगे लगा हुआ है, अब क्या करोगे, अब पीछे भागो, भागते रहो, उसके ट्रैप से दूर जाओ बहुत, ठीक है। अब उसके ट्रैप से दूर जाना है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैप से दूर जाऊँ। उसने स्पेशल वन दे दिया, मैं मरूँगा नहीं, अच्छा मर गया मैं, ओके। सो दिस वाज माय फर्स्ट फेल्ड अटैम्प्ट, हाँ अच्छा सेकंड लास्ट फेल्ड अटैम्प्ट था ये। अब मेरे को समझ आ गया था, बट वो बेवकूफ़ी के चक्कर में मैं मारा गया था। बट नाउ आई थिंक दिस इज़ द फाइट वेयर आई विल शो माई स्किल्स वेरी वेल। जो भी मैंने उन 45-50 मिनट में कम से कम 100-200 बार लड़के सीखा। तो आप देख रहे हो वो रूट वाला 3 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है जैसे ही दूर रहते हो आप उससे। ये डैशबैक इंटरसेप्ट भी बहुत प्यार से करता नहीं है, मानता नहीं है। स्पेशल वन के लिए इसके पास, इसके एक एक हिट में आप पीछे जाओ और ज़्यादा पीछे जाके पहले मत खड़े हो, वही स्ट्रैटेजी आपको करनी पड़ेगी। एंड कभी कभार तो ये आपके मिस में आके भी अटैक नहीं करता, तो वो भी अनोइंग हो जाता है। सो यू हैव टू प्ले अराउंड इट। अब आप देख रहे हो उसको स्पेशल 2 तक फेंक दिया मैंने बड़े प्यार से, और अभी भी मैं उसके पास ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, क्योंकि वरना अगर पीछे जाके रूट हो गए तो भी दिक्कत है गाइज। अब यहाँ पे मैंने फेज में उसको एक हैवी दे दिया एंड नाउ आई एम स्टिल क्लोज टू हिम ट्राइंग टू इवेड हिम। नाउ आई गॉट लॉक्ड हेयर कि उसका ट्रैप लगा हुआ है और मैं उसके बहुत पास हूँ, तो अब मैं पीछे भागूँगा। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आके मैं डेक्स करूँ, बट देन आई थॉट कि पीछे ही भागो एकदम से। बट फिर एक और चक्कर है कि रूट भी हो सकते हो, तो ज़्यादा भी पीछे नहीं भाग सकते।
तो जा जा के उसको बीच में अटैक भी करना है, और ऐसे आप ट्रैप रिमूव करते हो। फिर जब वो स्पेशल दे देगा तो उसका सारे ट्रैप हट जाएंगे और वो पीछे वाला ट्रैप भी नहीं रहेगा गाइज। सो नाउ अगेन हिट ऑन इस ब्लॉक, वेट फॉर हिम टू गिव स्पेशल वन, या कोशिश हो तो स्पेशल टू तक भेजो उसे। अब आप देख रहे हो स्पेशल वन के लिए मैं कितनी पास खड़ा हुआ हूँ उसके, और जाते ही मैंने स्पेशल वन अपना लॉन्च कर दिया। आई थिंक यही स्ट्रैटेजी मैं रखूँगा विद क्या बोलते हैं कलॉसिस ऑल्सो। लेट्स सी इफ कलॉसिस कैन डू इट, या आर्च एंजल के साथ भी करूँगा। बट ये मैकेनिक समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैप से कैसे बचें, तो वो ही मैंने करके दिखाया है यहाँ पे। कभी कभार आप फेज़ होते हो और वो साला स्पेशल फेंक देता है, तो स्पेशल कैन नॉट बी फेज्ड बाय स्ट्राइफ, तो वो वाली दिक्कत भी आती है। अभी ये 63% पे आ गया है। आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल अब तक, क्योंकि अब मेरे को समझ आ गया था कि कैसे लड़ना है। पिट रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अनब्लॉकेबल है तो लाजमी है कि आप पिटोगे। इसका स्पेशल टू भी वेट करना गाइज, आपको आना चाहिए, डोंट मैस इट अप। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना स्पेशल टू का इन्हेंस डैमेज दूँ इसे, तो दैट इज़ वॉट माई ऑब्जेक्टिव वॉज, बट अनफॉर्चुनेटली उसने ब्लॉक होल्ड कर लिया। करने दो, टेंशन मत लो, पीछे भागो जैसे ही आपका स्पेशल ख़त्म होए। अब वेटिंग कि इंटरसेप्ट करूँ या उसका स्पेशल छोड़वाऊँ। उसने स्पेशल छोड़ दिया और मैं थैंकफुली को पीछे जा रहा था ताकि मैं उसके पास जाके अपना स्पेशल दे के ट्रैप्स के चंगुल से बच जाऊँ। ये थोड़ा सा स्टन भी होता है, बट आई एम नॉट एबल टू कैपिटलाइज आफ्टर माई हैवी की स्टन पे कैपिटलाइज करूँ, वो हो नहीं पा रहा अनफॉर्चुनेटली मुझसे। बट नाउ आई विल ट्राई अगेन। आप देखो ये छोटा सा स्टन आएगा जैसी हैवी लगेगी, ये छोटा वाला आया पर नहीं हुआ, आई डैश्ड इन। फ़ायदा क्या है उस स्टन का अगर मैं जाके अटैक ही नहीं कर सकता ऐसे। मैं फिर अगर अटैक कर पाता तो आई वुड हैव थ्रोन हिम टू स्पेशल टू, बट वो हुआ नहीं गाइज। और एज यू कैन सी आई एम फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में सेट हो गई है वो। अब मैंने उस स्टन का फ़ायदा उठाया, पता नहीं क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, नॉट वेरी श्योर। 37% पे आइए, वो स्पेशल टू पे है और उसकी पावर काफ़ी बढ़ी हुई है, थैंकफुली उसने छोड़ दिया। थोड़ा पास रहो तब भी दूर रहो, वही आपको स्ट्रैटेजी रखनी है। वो स्पेशल वन पे, मैंने अपना स्पेशल वन दिया और हैवी भी दे दिया, बट नॉट कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन द स्टन, वो दिमाग में रहता ही नहीं है गाइज। अगेन वेरी वेल डन हेयर बाय मी, आई एम वेरी प्राउड कि मतलब मैं खेलना सीख गया हूँ। अब वो ट्रैप के चंगुल में फंस गए फिर से, थोड़ा पास जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसको पीछे ट्रैप पे उसके ही लेके जाऊं और स्पेशल दे दूं, बट वो भी नहीं हुआ। अब वो आ चुका है 21% पे और मैं फंस गया हूं ट्रैप पे। मैं उसको मारने की पता नहीं क्यों कोशिश कर रहा हूं, बच गए हम थोड़ा सा, बट एंड में मारे ही गए। 19% पे रहता है क्रेवन। सो अब लगाएंगे गाइज रिवाइव, ऑब्वियसली इतना आगे पहुंच के आई डिड नॉट थिंक कि क्विट करने की ज़रूरत है। सो आई चोज़ अ रिवाइव, बेबी रिवाइव एंड वन हेल्थ पॉट आई थिंक, क्योंकि मैं पिट तो रही हूँ, अनब्लॉकेबल है वो साला, तो आई हैव टू बी केयरफुल कि थोड़ी बहुत हेल्थ लेके जाते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय हिम अगेन। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लड़ा जाए। आई थिंक कलॉसस से भी बनाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट आई थॉट कि एक बार इसका टेक डाउन तो नॉर्मली तो कर लें, और वो ही मैंने किया है अभी। थोड़ा डेक्स तो करना ही पड़ेगा, आप इस डेक्स की एबिलिटी ठीक करनी पड़ेगी, और स्पेशल वन के लिए आपको उसके पास रहना पड़ेगा। और ये तीसरी पॉइंट है कि आप अपना स्पेशल जाते ही उसके ट्रैप पे डैश इन करते ही दे दो ऐसे, ताकि आपको वो ट्रैप का चंगुल झेलना ना पड़े। आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू इट। और फिर बाय द एंड ऑफ डूइंग दिस मेरे को फिर बहुत इजी लगने लग गया था, एंड आई थॉट कि मैं सोलो भी कर सकता था, बट मेरे पेशेंस ख़त्म हो गई थी। 1.5 घंटे से कॉफ़ी विद करण सुनना कोई छोटी बात नहीं है गाइज, दिमाग थक जाता है। तभी देख रहे हो लास्ट में 22 हिट में उसका लास्ट का 19-20% मैंने ले लिया। इसी के साथ मेरा ऑब्जेक्टिव एक कंप्लीट हो जाता है,
एंड नाउ आई हैव एक्स फोर्स वाला ऑब्जेक्टिव लेफ्ट, वो भी करना बाकी है गाइज। बेबी ध्रुव का एक ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ मेन अकाउंट में पहले मैं बेबी ध्रुव से कलोसस से करूँगा, फिर मेन अकाउंट में सिर्फ कलोसस से ही एक ही बार फाइट करेंगे बूस्ट बास्ट लगा के गाइज। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है गाइज। आई है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।